स्वागत है जी नवी वीडियो च। तो अज का ब्लॉग हो लेट शुरू क्योंकि आर्मी डोल की सी सील जी लीक असी पाउन लग गए खोल के पाते पाते कलोल हो गया। आर्मी डोल की सील पट नहीं मुड़ के सू सारे तो सील नहीं मिली, एक दुकान तो मिली भाई उन्हें भी खरा 40 रुपये वाली सील 1200 की 1250 की लेके आए हैं। MP च आए फिर दुकान वाले पता भी हूँ सरदार फसे हुए भी लुट लो। तो हम आप 2:30 बजे गए, 2:30 बजे मशीन चलाई आ तो वीडियो भी हम अपलोड करके हटे हैं। इधर जबान लगे हुए चाह पीण दोपहर की अपना अंकल बस अपना भी भाई कम एक दो दिन का रह गया, हम तैयारी आ कोटे जाने की। दूजी मशीन अपनी बेली हुई खड़ी आ, वो कहते जो मर्जी दस दें भी अच्छा माड़ा मोटा जहा पढ़ते हैं जिते कहें पोते ही तुर पैना। ये आया मनीम, इन्हें बड़ा खानू खर्चा खबर किया, यदि पता करके 4 बेगे फटन आए हैं। दस बारी इतों भाई वढ़ के गए थे, सारे खेत वढ़े गए। ये मनीम है, इन्हें खेत आप सरदार ने कणक नहीं बढ़न दी। नहीं सरदार अभी गीला है, अभी गीला अब बिगा एक खड़ा गा, ये कहते हजे फिर रखना गा, भी कहते गिला गा भी जे साडा गिला कटेगा साडा नुकसान होगा। मामा मामा मशीन चलिया जानिया मुड़ के 1500 बिगे तक लगे बढ़ना हो, कहते कोई ना 1500 दे देंगे पर असि बढ़ा नहीं हजे। ये मुनीम खतरनाक, अपने डर दें फ्यूज बॉक्स थली रखा है चला मोटर तारा थले इतों की राह इतना देख लो जोड़ नंगा इत नंगन राह बना इन्हों का आ नाला जहाँ आगे नाले इतने राह बना हुआ राह तो जोड़ रखे हुए नंगे करके नाला मेरे भी ध्यान च नहीं आया। बाद चाहता मुंडा अपने आया कहना भैया तारा इधर दिखा जोड़ मां भाई ने मैं देखी भी नहीं हो नहीं पैर पूरी ला लिया खतरनाक गया देख ला थले कोई खतरा नहीं भी जवाक हाथ लड़ जाए कोई ला लै थली सारा कुछ आ मोटर चली जाती ना ही इतने जिमें अपने भाई कहते मैं आप भी खूंजे से बोर करा ला भी आपू खूंजे से बोर करा के लोट आ इतने वो काम नहीं चलता है क्योंकि इतने पहला देख लिया पानी कितने इतने पानी है ही नहीं पता गह 10 फुट तो दूर ना ही पानी हो गई ना वो करके पानी फिर लभना पैंता पहला पानी पुने बनी बाबा कोई इन्हें आता वो देखता गा फिर कई मीटर मूटर इन्हें चेक करा कई एक दो बाबे है वो हों भाई आप सब हिसाब से वो दस दें पानी इतने है धरती से नहीं है तो आए पानी पुनी जे पानी इन्होंने खेत के बचाले मैं कहता भाई खेत के बचाले बोर करा बना ये नहीं है भी अपने को भी हाँ इधर सैड पर करा लो इधर पे जाते हैं नहीं ये नहीं पता भी बोर वो जमें हमने को दींदा हो सू पत्थर जहाँ दींदा माड़ा जहाँ बचाले पाया ट्रांसफार्म की चीज़ में दींदा होगा उत्थे पानी आया जी पहले इन्होंने उत्थे बोर कराया हूँ उत्थे पानी मुक गया हूँ बोर कराया कितने होर उत्थे मोटर पट कढ़ ली इन्होंने जमा नाले बचाले आ खेत देख ला उत्थे पानी मिले जी पहले इन्होंने अपने हिसाब नहीं है भी पानी जिथे बोर जी कर ले उत्थे कर ले अपने भी भाई झोना लाते रहे यही हल अपने देना गा लभना पै करू पानी भी कितने कितने नहीं। इधर फोर मैन लगा है फ्यूज लाने देखते हैं कि स्टंट करूँ पिछले फेस ही नहीं आता कहता फिर अंदर पैप ला के बल्ब टंगी खाता नहीं चल रहा चलो डीपी पे चलो डीपी पे चलो भाई ट्रांसफार्मर नु डीपी कहते हैं चलो भाई हम डीपी देख करना की स्टंट करू ये देख लो तार देख लो कट कट देख रहे हैं की स्टंट करता है अरे भाई अपने को खाल नहीं पाते इन्हें कोला काले जे पैप आ ये पा पा के ना आ कलंप लग गया इन्हें देखो आ कलंप ला के खाले खुले वाला लोड़ नहीं पैंती जिधर मर्जी अं पैप पा के लै जाना जे दूर तक मर्जी लै जाने पैपा नूं हर एक दे कोल बस आही प्रोजेक्ट आ जाना जिवें अपना ट्यूब वाला पैप हुंदा उहदे नाल पानी लैके आंदा खेतों च जां इदां लैके आंदा इह आदे अपने कई बार कोला भाई चोरी बहुत होंगी इतने चोरी चारी नहीं है जमें जिते मर जी चीज़ पी उ पई आ देख लो तारा किमें थले उ छिटिया पईया
अपने तो लभण ना जाए रख दिए भी किधर गई आप ट्रांसफार्म ये तो कोई सोच नहीं हैगी डी टी ए मन के बस ए टंबो बांस लपेट लेंदे जो सच कट्टी बस डी टी ए बांस चक के ला लेंगे वो डी टी ए रहती होंगे दंगे नाल डी टी ए ला लेंगे नहीं भाई ये स्टंट मगरों होकर लाता था इधर चलते बने मशीन पहले बैठा ही फोर मनी कर देने सोनू दस नहीं तो एम पी का माहौल कहोजा की प्रोजेक्ट अंकल तू हाथ मत लगा लेना इधर आ जा अरे इधर से धुआं निकल रहा है निकाल जे देख क्यों भाई ये सुन दस भी खतरनाक है बंदे आ देख तारों में छिटियां भी हाँ आ देख ला आ चढ़ के इत धूं निकली पानी हिट के इत जुड़ी हुई है जिदे तार तो कट हो गया इधर से तार उधर से तार इसको जोड़ लगा इसका प्लास से खतरनाक बंदे भाई कुछ भी कर सकते हैं बाकी अपन आप तो इन्होंने बाली दूर रहने इन्होंने कोई पता नहीं कदों की स्टंट कर देने के नाल लगे रहे अरे ई देख ये टूट गया इसका जोड़ लगा प्लास से हाँ अरे हाथ मत लगा पानी से निकला है गीला है उधर से कट करके इसको प्लास से लगा कट करके मोटर आई फेस फूस ला के मोटर चला ली इत बहुत टूटिया लग गया हवा कढ़नी पैंती है पहले जो मोटर चल पे लगा देखो दब गए हवा कढ़नी पैंती है टूटी फिर पानी आता नहीं पहला हवा ही आती है चलता नहीं लगे इतना चलेगा निकल गई हवा जी सारी एवं कुकर सीटी दब देने वो कम हो गया लो जी आ गया पानी ऐ पानी होता भाई इतने हाँ भाई जिदा अपने ना आप बनाने मझा मुझा इन्होंने घर च नहीं अपना घर आप बना मझण लग तूड़ी पाने लग इन्होंने सारे जिमें इन्हे अपना जिम्मे लाणा वा कह दें अपने बड़ा लाणा गा इन सारे घर ने आपदा सैड तो बनाया हुआ जगाड़ हो चार पाँच बिघे च जिन्ना जाने की परिवार बड़े बुढ़े बड़े सारे ने अपने ऐं सत्ते हुए सारे डंगर पशु जिनी फसल बाड़ी आ सारी पई है इतने लसन लुसन साफ करना गा लसन इतने लिया के रखा पइए बंद पक्के रखे हुए जिन्ना ठंड समेटा ट्रैक्टर ट्रालियाँ सब इतें ही खड़ा बहर तो सवेरे इतों दुद्ध दुद्ध कट गया तो शाम को इतने लेंदा इतनी मझा सारे दियाँ पांच छे घर आ इन्हों सार मैसी ने मैसी मैसी दो खड़े आ दो आ खड़े आ दो परे खड़े आ तकड़ा लाना बी इन्हों का जंटा का इन्हों अंकल उंकल सारे आ तूड़ी पाई हुई है सब का आप बन के बाग लाए मार के शैड जे पाए हुए रखते आपते आपते जिन्ना इन्ना हिस्सा पैंता है सारा रोक के किया हुआ तूड़ी पाने तो वो चलते अपनी मशीन सामने बस ये अंकल एक रेंदे दस बजे अज वो भी निबड़ जाएंगे बाकी जिदा रह गया अज स्टेटस पवाता इन्होंने तो फोन कराते भी जिन्हें भाई बिघा तो बिघे रेंदे बढ़ा लो बस दो दिन अपन मशीन इतों कट देनी फिर मिलेंगे कोटे फिर हम कोटे के हाल दिखावे चैनल में सबसक्राइब कर लो भाई चैनल अपना सबसक्राइब घट किया होगा वीडियो तो बथेरे बंदे देखते सबसक्राइब नहीं कर रहे इसलिए बेनती है भाई करो सबसक्राइब कम भाई हूँ एंड ते आई थी चापने खड़ा बस अठ बिघे का प्लॉट जहा खड़ा एक ते एक कलू खड़ा दस पंद्रह बिघे का बस ए टुट मैं रह गया तो हूँ तो तूड़िया चलदी आज ओंडीगर तो चलती है दशमेस तो इधर फार्म ट्रैक करना वा इत चलते जागत जीत बस हूँ तो आई कुछ रह गया भाई तूड़ियां हूँ पहला अपन बहुत होंगे ही हूँ चलदियाँ तूड़ियां भइया दियाँ वालियाँ आप दियाँ भाई इन्होंने कर लिया जगाड़मेंट
ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ, ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਿਆ ਲਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਗਾ ਪਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਨਿਕਲੂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਟੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਲੈਫਟ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ 2000, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਾਹਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੀ 1700-1800 ਆ ਗਿਆ, 1700 ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਈ 1500 ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ 1500 ਕਰਕੇ ਫਿਰ 1400 ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨੇ 1400 ਕਰਕੇ ਸਾਲਾ ਰੇਟ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਹੁਣ 1700-1800 ਐਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਰ ਲਾ ਬਾਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਚਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਘੱਟਾ ਘੁੱਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਚੱਕਣੀ ਇਕੱਲੀ ਲੈਦ ਲੈਦੀ ਆ ਆਹ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੂੜੀ ਬਣੀ ਆ, ਲੈਦ ਲੈਦ ਚੱਕ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਕਲੇ ਕੀ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਣਕ ਕੁਣਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ 50-60 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ, ਬਾਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਆ ਬਾਈ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਆ, ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਲੈਫਟ ਚੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੂੜੀ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣੀ, ਬਾਕੀ ਖੇਤ ਜਿਹੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲੈਫਟ ਮੁੜਿਆ ਆਪਦਾ, ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ 10-15 ਕੁ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ, ਬਸ 15 ਬਸ ਐਂਡ ਆ, ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ 1700-1800 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਡੇਲੀ ਦਾ, ਡੇਲੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨੇਰਾ, ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਧਰ ਚੱਲਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਦੇਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਆਹ ਦੇ ਇੱਕ ਆਹ ਚੱਲਦਾ ਜੌਂਡੀਅਰ, ਆਹ ਚੱਲਦਾ ਫਾਰਮ ਟਰੱਕ, ਇਹ 45 ਪਾਵਰ ਦੇ ਆ ਬਾਈ ਫਾਰਮ ਟਰੱਕ 45, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 60-55 ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਸੁਲੇਸ਼ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਲੀਕਾਂ ਦਾ ਸੁਲੇਸ਼ 35 ਪਾਵਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਤੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਲੇਡ ਬਲੂਡ ਸਾਰੇ ਤੋੜੇ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲੇ ਦੱਬੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਮ, ਗੈਸਕਟ ਪਾੜ ਗਿਆ ਬਈ, ਇਹ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਗਾਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰੀ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਰੁਪਿਆ 30,000 ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚਲਾਉਣਗੇ, 30,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ, ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ 10,000 ਜੇ ਕਿਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਹ ਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਝੋਟੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਛੋਟਾ ਸੀ ਬਾਈ, ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ 55,000 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਲੇਡ ਬਲੂਡ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਗਰੰਟੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਕੋਲੇ ਖੜਾਂਗੇ, 6 ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ 6 ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਲੱਗੂ ਫੇਰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3600 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ, ਬਾਕੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਮਿਲਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਸ ਰੇਸ 'ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਜੋ ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜੱਟ ਸੌਦਾ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੇਅਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੁਛ ਬਾਜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੱਥਰ ਵਾਲੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੜਾਕੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਮਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਈ ਆ ਸਕਦਾ ਰੁਪਈਆ, ਹੁਣ ਵੀ 15-20,000 ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿਨ 10-15 ਲੱਗਣਗੇ।